नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आपने भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल जी का नाम तो सुना ही होगा, आइए जानते हैं उनके बारे में। 1945 में एक गढ़वाली उत्तराखंड ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी आर्मी में ब्रिगेडियर थे। 1968 में आईपीएस का एग्जाम टॉप किया, केरल बेच के ऑफिसर बने। 17 साल की ड्यूटी के बाद मिलने वाला मेडल 6 साल की ड्यूटी के बाद मिला। 1988 में कीर्ति चक्र मिला, देश के एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन है जिसे यह अवार्ड मिला। असम गए, वहां उल्फा आतंकवाद को कुचला। 1999 में प्लेन हाईजैकिंग के समय आतंकवादियों से डीलिंग की। पाकिस्तान में जासूस के तौर पर तैनाती। पाकिस्तान के आर्मी में मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे और 6 साल तक भारत के लिए जासूसी करते रहे। 1987 में खालिस्तानी आतंकवाद के समय पाकिस्तानी एजेंट बनकर दरबार साहिब के अंदर पहुंचे। 3 दिन आतंकवादियों के साथ रहे। आतंकवादियों की सारी जानकारी ऑपरेशन ब्लैक थंडर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अपने अद्वितीय प्रोफाइल के कारण मोदी जी ने सत्ता में आते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। बलूचिस्तान में रो फिर से एक्टिव की, बलूचिस्तान का मुद्दा इंटरनेशनल बनाया। केरल की 45 नारी को इराक में आईएसआईएस ने किडनैप किया। अजीत डोवाल जी खुद इराक गए, आईएसआईएस से पहली बार होस्टेज जिंदा बिना बलात्कार हुए महिलाएं वापिस लौटी। राष्ट्रपति अवार्ड मिला। 2015 मई में भारत के पहले सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत की सेना म्यांमार में 5 किमी तक घुसी, 50 आतंकवादी मारे। मिजोरम के आतंकवादियों से भारत की ऐतिहासिक डील करवाई, आतंकवादी संगठनों ने हथियार डाले। भारत की डिफेंस पॉलिसी को अग्रेसिव बनाया। भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी जहाज को बिना किसी वार्निंग के उड़ाया, कहा बिरयानी खिलाने वाला काम नहीं कर सकता। कश्मीर में सेना को खुली छूट दी, पैलेट गन सेना को दिलवाई। पाकिस्तान को दुनिया के मुस्लिम देशों से ही तोड़ दिया। सितंबर 2016 आजाद भारत के इतिहास का 1971 के बाद सबसे ऐतिहासिक दिन। डोभाल के बुने गए सर्जिकल ऑपरेशन के सेना ने दिया अंजाम। पीओके में 3 किमी घुसे, 40 आतंकी और 9 पाकिस्तानी फौजी मारे। राइट वे हिंदू संगठन विवेकानंद यूथ फोरम की स्थापना करी। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।